हेलो। हाँ रिजवान भाई, गुड हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और क्या क्या किया आपने प्रैक्टिस? हाँ, मैंने उस दिन आपने जो रीजनल स्ट्रक्चर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताया था ना, मैंने वो बनाया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद जो भी आपने उसमें डिफाइन रेंज दी थी और उसके बाद मेंटेन हायरार्की बताया था, फिर मेंटेन एलिमेंट मेंटेन करना बताया था, फिर पोस्टल कोड, सिटी, स्ट्रीट, मैंने सब बनाया ये, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद फिर मैंने टेक्निकल मास्टर डेटा क्रिएट किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, प्रीमाइस, इंस्टॉलेशन। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट, एक नंबर बताता हूँ तो आप देख भी लीजिए एक बारी। कोई बात नहीं। आप इंस्टॉलेशन और बताइए। इंस्टॉलेशन है 6000414 414। 6000414 करेक्ट। हाँ, ठीक है। और आपने कोई ये बना रखे हैं डिवाइस डिवाइस कैटेगरी? डिवाइस, हाँ मैंने वो बनाया था ना उससे पहले, जो रजिस्टर ग्रुप, डिवाइस रजिस्टर ग्रुप, मटेरियल, डिवाइस कैटेगरी सब बनाया था ना। डिवाइस आप जो ओपन करोगे, मेरे ख्याल से मटेरियल नंबर और उससे करोगे ना, सीरियल नंबर से, तो मटेरियल नंबर मेरा 1306 था और डिवाइस का सीरियल नंबर शायद 1 है। ठीक। डिवाइस कैटेगरी क्या नंबर था? डिवाइस कैटेगरी और मटेरियल एक ही होता है ना शायद, हाँ, 1306। 1306। हाँ, उसके पीछे 0 लगे हुए थे बहुत सारे। और उससे आप एक बार डिवाइस सर्च करके देखिए। बस इसमें मैंने क्या किया था, जो फंक्शन क्लास और कंस्ट्रक्शन क्लास है ना, वो थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं रहा था, तो मैंने वो ऑलरेडी क्रिएटेड वाला चूज कर लिया था, हालांकि मुझे नए क्रिएट करने चाहिए थे। हाँ कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत हाँ वो मैं थोड़ा सा एक चीज भूल गया था। नहीं। रजिस्टर ग्रुप क्रिएट किया था आपने? हाँ, रजिस्टर ग्रुप क्रिएट किया है मैंने, TR03। अच्छा, ठीक है। मैंने रजिस्टर ग्रुप ही क्रिएट किया था, फिर मटेरियल क्रिएट किया, फिर डिवाइस कैटेगरी, फिर डिवाइस। एक बार ठीक डिवाइस और चेक कर लीजिए आप। ठीक है। आपने ठीक है सर। ठीक है। एक बार डिवाइस, इसको किलोवाट आवर, इसको जो KWH जिसे बोल लेते हैं, किलोवाट आवर्स। अच्छा, ओके, ये मैंने KW लिया है ना, ये अभी डिस्प्ले में है तो शायद सही नहीं होगा। क्या है, डिस्प्ले वाली स्क्रीन है क्या? उस दिन में शायद कोई ये एरर आ रही थी, इस वजह से मैंने वो KW करा था कुछ। हाँ यही है, कुछ एरर आ रही थी तभी, मुझे मुझसे भी नहीं हुआ था सेलेक्ट। मेजरमेंट फॉर द रजिस्टर। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं, पहले जो हमने कम्युलेटिव डिमांड मीटर सेलेक्ट किया उसकी वजह से आर से आ रही हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, चलो कोई बात नहीं, KW ले लो। एक बार डिवाइस और खोलिए सर।
इस पे रजिस्टर के अंदर कैटेगरी रीसेटिंग रजिस्टर आपने डिमांड बेटा लिया है इसीलिए जो क्यूमुलेटिव। हाँ हाँ वही मुझसे गलती हो गई, वो मैंने वो ले लिया ना, तभी वो केडब्ल्यूएच नहीं ले रहा था, अब ले लेगा। कम्युलेटिव डिमांड ले लिया मैंने, हाँ ये गड़बड़ हो गई थी। अभी हमने क्या लिया वापस, कम्युलेटिव कौन सा लिया था? हमने कंजम्पशन रजिस्टर लिया है यहाँ पे, हाँ मैंने वो डिमांड ले ली। क्यूमुलेटिव कंजम्पशन रजिस्टर जो है। ओके ओके, ये थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी। कोई बात नहीं, एक बार डिवाइस चेक कर लीजिए। और क्योंकि हमें कंजम्पशन रजिस्टर वो करना है ना। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ बाकी तो डिमांड तो हमारा कमर्शियल वगैरह के लिए और उसके लिए अलग के लिए आपने बताया था, बाकी तो मुझे तो कंजप्शन वाला लेना था, मुझसे गलती से वो चूज हो गया होगा उस वक्त, कोई ऐसा बात हुआ। नहीं, वही चीजें समझना, यही सब चीजों को जब गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये आप डिवाइस पे आ गए, अच्छा तो इंस्टॉलेशन पे है ना आप? ये जो बिजनेस क्लास, बिलिंग क्लास सॉरी, और रेट कैटेगरी है जो आपने लिया था, मैंने वही ले लिया, क्योंकि इसके अलावा बनाना तो हमें आता नहीं, मतलब कि जो भी है वो ले नहीं रहा था, तो मैंने फिर कोई यही ले लिया था। दिक्कत नहीं, जब बिलिंग का क्लास करेंगे तब उसमें चीजें सीखने को मिलेगा। हाँ 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 बिल्कुल ठीक। जो डीएम कंसल्टेंट है तो इसकी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ता, जो बिलिंग कंसल्टेंट रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है क्रिएट करके। अच्छा वो कर देता है ठीक। हाँ कंपनी जो है एक मॉड्यूल के एक बंदा रखता है, जैसे डीएम का रखेगा डीएम कंसल्टेंट रखेगा, बिलिंग का रखेगा बीएम, ऐसा नहीं रहेगा एक ही बंदे को दोनों को रखेगा, डीएम कंसल्टेंट भी हो बिलिंग कंसल्टेंट भी हो। ठीक है, हाँ ओके। से एक बार जरा डिवाइस और चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं, देख लिया मैंने। देख लिया ना आपने? ठीक है, जैसे आप डायरेक्ट मेजरमेंट लिया सही लिए हैं। ये कुछ रह गया था क्या हमारा? डिवाइस क्रिएट कर रहा है, वो तो हमने डिवाइस कैटेगरी क्रिएट किया है। अच्छा ये डिवाइस क्रिएट नहीं किया था मैंने। नहीं डिवाइस कैटेगरी क्रिएट किया होंगे, मैं दूसरा क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा आप दूसरा क्रिएट कर रहे हैं, ओके। देखो जब डिवाइस जब तक इंस्टॉल नहीं रहता इसका स्टेटस AVLV दिखा रहता है, जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, डिवाइस जब इंस्टॉल नहीं रहता है, जब हाँ स्टॉक के बाहर रहता है तो उसका स्टेटस AVLV रहता है, ठीक है, जब अगर स्टॉक में रहता है तो EST हो जाता है, और अच्छा अगर इंस्टॉल हो जाएगा तो INST। तो इंस्टॉल हो जाएगा तो INST हो जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता अभी ये अवेलेबल है हमारे पास, जब स्टॉक में होगा तो STOC आएगा, और जब इंस्टॉल हम उस पूरी तरह मतलब फिजिकल इंस्टॉल कर देंगे तो इंस्टॉल आ जाएगा इसमें, है ना? ठीक है। है, तो मैंने जो दिन बनाई थी तब भी अवेलेबल ही आ रहा था, ये ऐसा ही आ रहा था। हाँ जितने जो हम क्रिएट करते हैं अवेलेबल दिखाता है। हाँ हाँ, अच्छा मेरे ही रजिस्टर ग्रुप पे आपने एक और डिवाइस क्रिएट कर दी है ना? अब इसमें अब चूंकि रजिस्टर ग्रुप मतलब डिवाइस कैटेगरी क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हमें इस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के जितने डिवाइस क्रिएट करना रहेगा तो हम इसी को लेकर हम क्रिएट करते रहेंगे। एक ही डिवाइस कैटेगरी पे, ठीक है। मास्टर डेटा मतलब क्या होता है कि इसमें हम
कोई चेंजेस नहीं रहता, लंबे समय तक जो है अनचेंज, मतलब डेटा हम यूज करते हैं सेम डेटा, कोई अच्छा रिपीटेशन अच्छा ना करना पड़े। हाँ, तो तो सही। टू रिवाइज द रिपीटेशन द सेम वर्क, तो हम एक मास्टर डेटा क्रिएट कर लेते हैं। इस मास्टर डेटा से फिर हम हाँ, यही है कि वो सेम कैरेक्टरिस्टिक की होनी चाहिए डिवाइस, है ना। हाँ, जैसे मान लो एक जैसे आपका जो है रजिस्टर ग्रुप इस डिवाइस कैटेगरी के एक है, तो मतलब जितने मीटर रहेंगे तो उनका जो है हम लोग हाँ उसे डिवाइस क्रिएट करेंगे सीरियलाइजेशन हाँ हाँ करके, तो उसमें समय सेम रजिस्टर ग्रुप जो रहेगा। अच्छा ठीक है, सेम रजिस्टर ग्रुप पे हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे भी चाहें, जब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे भी हम रजिस्टर ग्रुप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें दूसरा रजिस्टर ग्रुप लेना है तो हम अच्छा यहाँ पे भी दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ये लगता है। तो अच्छा ये भी क्वेश्चन है कि मतलब रजिस्टर ग्रुप अगर हम कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं। तो एक डिवाइस कैटेगरी मेंटेन करते हैं, अगर हाँ हम रजिस्टर ग्रुप अगर हम चेंज करते हैं डिवाइस क्रिएशन के टाइम पे, तो डिवाइस कैटेगरी जो रहेगा उसको मतलब कंसिडर नहीं करेगा। यहाँ पे जो क्रिएट किया है तो इसको कंसिडर करेगा, तो अच्छा, डिवाइस लेवल पे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। हाँ, तो डिवाइस लेवल पे भी हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो चीजें हम हमेशा करते हैं लेकिन नॉलेज नहीं रहता है। तो जब कोई क्वेश्चन पूछ लेता तरी क्या पूछ लिया, तो तो क्या पूछ लिया इसने। एक श्रीनिवास जी हैं न्यू जर्सी में, अमेरिका में। आपने जो बताया था उस दिन। तो आज भी बात हुआ है तो इंटरेस्टेड हैं, अच्छा, तो फिर ज्वाइन कराइए और क्या। करेंगे। हाँ क्या डिवाइस ही ज्वाइन करेंगे। डिवाइस के करेंगे, कह रहे डिवाइस की बहुत डिमांड है हमारे यहाँ पे, कॉल उठाते अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, सीख लीजिए। चलो बढ़िया है और क्या। एक दिनेश राजा गोपाल करके था, तो उसको मैंने ट्रेनिंग दिया था, वो टीसीएस में है, वहाँ पे यूएस में ही है। हाँ अच्छा, आपने, आपका ट्रेनी है। तो उसको 1 करोड़ 4 लाख का पैकेज मिला है, हो अच्छा अभी। गया 2-3 महीने पहले। वो तो अच्छा उसका जॉब छूट गया था, बेरोजगार था, लिंक्डइन से नंबर निकाल के फोन किया था, तो मैंने बोला सर वही बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी लोगों को लाइफ में चेंजेस तो मैं ला रहा हूँ, हाँ सही है। लेकिन कि जो थोड़ा सा फर्श करेगा तभी होगा, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ठीक बात है, ठीक बात है, और क्या, एफर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ कि मेरे चाहने से ही होगा सब कुछ। नहीं, वो तो है भाई, हमें अपने एफर्ट तो सारे मेन तो डालने ही पड़ेंगे। आपका काम तो सिखाना है, आपने सिखा दिया है ना, चीजें अब हैं। आगे एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे ना। हाँ अच्छा नरेंद्र सर, आपने हमें थ्योरेटिकल, मेरे ख्याल से बिजनेस डेटा जो पढ़ाया था, बिजनेस मास्टर डेटा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कौन अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस पार्टनर पढ़ाए थे, क्या वो बनाना बताए थे, अभी नहीं बताए थे, सा क्रिएट करना बताए थे, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट। वो तो मैंने बता दिया था, फिर भी अभी फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, अच्छा मुझे ध्यान, हाँ, क्योंकि अभी जब हम डिवाइस क्रिएट करते हैं तो फिर उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बिजनेस पार्टनर वो सब तो बनाएंगे ना, एक एक जब भी नहीं। मतलब किसी अभी हम भी, फुल साइकिल तो रन करेंगे ना, जब फुल साइकिल रन करेंगे बिना उसके रन ही हाँ नहीं कर पाएंगे हम। हाँ यानी कि ये सारी चीजें हम बनाने के बाद ही फाइल फुल साइकिल रन करेंगे ना। अच्छा हमारे पास शॉर्टकट कोई हम चीज अपनाते नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप जो कर रहे हो वैसे ही करो, और बहुत सही है। बोलते ना जुगाड़ करके करो, मैंने बोला जुगाड़ और कुछ नहीं, पढ़ाई करो तो होगा, नहीं पढ़ करोगे तो नहीं होगा। क्योंकि जुगाड़ के लगा के क्या करेंगे जब आप काम नहीं कर पाएंगे, तो ये बताइए। सही बात है, और क्या, मेन तो काम करना है ना, आप काम ही नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगा। जुगाड़ के लगा भी देंगे 10 दिन बाद फिर निकाल देंगे सब, हाँ ठीक बात है, और क्या, नहीं काम कर पाएगा सीनियर रखेगा कोई, तो बिल्कुल, और क्या, तो पहले काम देखेगा ना। तुरंत काम देगा ना वो।
लाओ, आप बीपी की बात कर रहे थे तो बिजनेस पार्टनर हम क्रिएट ही कर देते हैं। देखो, एक बीपी से क्रिएट करते हैं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर से या पी वन से क्रिएट करते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर VP1 से। यहाँ पे जो पर्सन क्रिएट करेंगे, एक अच्छा, जो चाहे ले लो, चाहे पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, है ना। कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर आ जाता है। आइए इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर क्रिएट करते हैं, अच्छा, और अगर जैसे मान लो अगर हम बीपी से क्रिएट करते हैं, जैसे अगर यहाँ से बीपी से क्रिएट करेंगे, जैसे अच्छा, ये डिफरेंस है बीपी में और वहां से। यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे बिजनेस पार्टनर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो इसे सिस्टम में एरर आएगा, तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर क्लिक करते हैं। अब सारी ऑप्शन दिखाता है, अच्छा, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर लेना पड़ेगा, आप और वहां से जो हम कर रहे थे वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर पे आ रहा था, है ना। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर पे आ जाता है वहां पे। ठीक है, ये आ यहाँ गया। ठीक कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर यहाँ पे ना, जैसे है, यहाँ ये रहता है, तो हमें सादा तेल डालो CA1 से क्रिएट करने का, अच्छा ठीक है, वहां से क्रिएट करें। ठीक है, FPP1 से। ये टिकोड आप लोग याद भी कर लीजिए, लिख भी लीजिए। हाँ, वो साथ में लिखते चल रहे। अच्छा, जो मुझे आपने सैप बताया था ना सर, जो आपने मुझे दिया है उसमें ना ये कोड नहीं आ रहा है, जैसे क्रिएट आ रहा है लेकिन कोड नहीं आ रहा, साथ में टीपी कौन कोड नहीं आ सा? रहा। जो आपने मुझे सैप दिया है ना, उसमें जैसे आपने अभी ये लिखा है FP1 01 आ रहा है क्रिएट के लिए, जो मैक्स। वो क्या रहता है, यहाँ से सेटिंग चेंज कर लो। अच्छा हाँ, वो मुझे बता दीजिए एक बार, यहाँ भी सेटिंग देखो में चलो, टेक्निकल। हाँ सेटिंग में हाँ तो अच्छा, जिसलिए इसको हम हटा देंगे ना, तो हाँ अच्छा, तब नहीं दिखाता वो। यहाँ अपने दिखाएगा अभी जो है। यही तो मैं कहूँ कि मैं जब रात कर रहा था तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था वो, अब देखो सारे हट गए होंगे। लगा के यार, ये तो हमें ऐसे दिखा दिख रहा होगा, हाँ ऐसे दिख रहा है मुझे, हाँ ऐसे दिख रहा है। ये सेटिंग में हमने जाना पड़ेगा ना, मुझे सेटिंग में जाके करना है डिस्प्ले को। सोचा हमें डुप्लीकेट सर्वर दे दिया, अपने पास बढ़िया सर्वर रख लिए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ ही लूंगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके पास हो गई। जब सेटिंग चेंज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ वो मैं कर दूंगा, आप, मुझे समझ आ गया बिजनेस पार्टनर। ऐसा नहीं है, बहुत चीज ऐसा कि अभी अभी भी हम लोग सीखते हैं नई नई चीजें, बहुत ठीक बात है, कभी और ये तो बहुत वास्ट है, तो सीखने को तो आपको बहुत कुछ होगा इस वक्त। अभी इतने करने के बाद भी बहुत नॉलेज गैप हम लोगों के पास भी रहता है, तो अभी जैसे नए नए इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, तो नए नए इम्प्लीमेंटेशन में नए नए रिक्वायरमेंट आते हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं, इसको कैसे करना, तो हमेशा हर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ न कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है, हर प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो FPP1 है ना, तो यहाँ पे जैसे FPP1 भी डालेंगे तो आपका होगा, चला जाएगा ये। हाँ वो तो जैसे भी कर लो, चाहे यहाँ से क्रिएट कर दो चाहे वैसे डाल दो, है ना। तो एज ए पर्सन, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए ग्रुप क्रिएट किया जाता है। पर्सन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंपनी उम्पनी है तो उसमें एज ए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। ग्रुप जैसे मान लो यहाँ पे एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया जाएगा, जैसे कंपनी यहाँ पे आ गया, अब कंपनी का नाम आ जाएगा। तो सर्च क्राइटेरिया में जैसे हम डाल देते हैं, जैसे अगर मान लो इसे हम सर्च करेंगे अच्छा, मतलब ये आपने शॉर्ट नाम डाल दिया, कहने का मतलब ये है अपनी कंपनी का, है ना, सर्च से करने के लिए। बीपी में, तो चीजें दिखा देते हैं, जैसे पूरा हम नाइट टाइप करना पड़े
अगर हम लिस्ट ऑफ बीपी अगर उसमें से अगर हमने भीतीजस का भी डाले तो इसी से पूरा आ जाएगा। जो भी जैसे अगर एचडीएफसी बैंक का बना रहे हैं आप, तो उसका पूरा प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे या एचडीएफसी डाल दिया आपने, जिस चीज से जाना जाता है, चाहे एक स्मार्ट अब्रिविएशन है, तो उससे से हम चीजें क्रिएट कर देते हैं। ठीक बात है। अब यहाँ पर जो भी हम उठा रहे हैं एड्रेस अपना क्रिएट किया हुआ उठा रहे हैं ना। क्रिएट किए भी ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग उसको भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ। अब इसमें इसका जितना भी चीजें हम जो भी हाँ क्लाइंट जो डाल सकते हैं मतलब मैक्सिमम जो अवेलेबल हमारे पास है, मेल आईडी हो गया, फोन चीजें नंबर। देता है, तो उस चीजें हम सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जो क्लाइंट हमें प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। क्लाइंट एक डेटा तो हम क्लाइंट के लिए बनाते हैं ना। अगर ये सारी इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री है, अजय जब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए तो सारी चीज आ गया ना इसमें। हाँ, हाँ अब ये आ गया क्योंकि अब ये इंडस्ट्री किस चीज की है वो सब डलेगा। क्योंकि हमने वहां पे पहले से लिस्ट कर इंडस्ट्री। दिया है ये कंपनी हम बना रहे हैं। हाँ। और अगर हमने इंडिविजुअल पर्सन बनाया होता तो ये ऑप्शन नहीं होता। ये बेबी टाइम में 002 क्यों लिया हमने? जैसे उसका, जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे बीपी टाइम में क्या है, अगर जैसे मान लो एम्प्लॉय है कि मैनेजर है क्या है, तो उसका भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसका अच्छा ओनर है कंपनी का, अच्छा, आप ठीक है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या है, चाहे इस कंपनी का ही हमने नाम डाल दिया कि कंपनी है, तो बीपी टाइप। तो अभी तो कोई नहीं है तो हम क्लियर कर रहे नहीं थे। जो बीपी सीए जो ये है, ए फीका कंसल्टेंट क्रिएट करता है, अच्छा और नहीं तो सीआरएम कंसल्टेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है बीपी सीए क्रिएट करने का। क्योंकि अच्छा तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास कोई है नहीं क्रिएट करने वाला, तो चीजें हम ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक। सेव कर दिया हमने। सेव हो गया था। अच्छा देखिए 9 7 0 ये आपका हमारा बिजनेस वो आ गया बिजनेस पार्टनर में। मुझे लगता है नरेंद्र सर जहां तक है मुझे आप मुझे लगता है ये वाली क्लास आपने बिजनेस पार्टनर वाली ली नहीं ली है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। वही बात नहीं, उसमें तो हमने ज्यादा थियोरी क्लास कवर हाँ किए थे। हाँ थ्योरी थ्योरी मैं वही तो कह रहा था। थ्योरी आपने कवर कर दी थी, बिजनेस पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट सब बोल दिया था, लेकिन ये अभी क्रिएट करना नहीं बताया था ना। आपने वैलिडेशन पार्ट वैलिडेशन वाला पार्ट ले लिया था, पॉइंट ऑफ डिलीवरी ले लिया था, फंक्शन क्लास कंस्ट्रक्शन क्लास ले लिए थे, ठीक है वो सारे आपने क्रिएट करके दिखा दिए। अब ये हमारा बिजनेस पार्टनर आ गया। जो कॉन्ट्रैक्ट है नरेंद्र सर वो तो हमारा जब मूवी हम बनाएंगे तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा।
है ना। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो मूविंग करते हैं, क्रिएट होता हाँ, मूविंग करने पे क्रिएट होता है ना। है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे गए, ये इसने बिजनेस पार्टनर नंबर अपने आप उठा लिया, नहीं अगर उठाएगा तो हमें डालना पड़ेगा। नहीं उठाएगा तो डाल लेंगे अब, क्योंकि हम अभी बना रहे थे इसलिए अभी उसने वही वाला ले लिया है ना। अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैटेगरी हम सिलेक्ट करते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैटेगरी है। ठीक है, अब हम डोमेस्टिक तो लेंगे नहीं क्योंकि हमने वहाँ कंपनी सेलेक्ट किया हुआ है ना। कोई बात नहीं, जैसे रोज हाँ ये मतलब रोज बनाने के लिए तो कुछ भी ले लो। की ले सकते हैं, जैसे गुप्ता कमर्शियल कस्टमर है हाँ एग्जांपल। चलिए, अच्छा ये ऑलरेडी क्रिएटेड हैं सारे अंदर इसमें ना, कैटेगरी अब ये आपने एंटर कर दिया इसके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नेम। ओके तो नेम में तो आपका वही जाएगा V3S। अकाउंट लिगेसी, जो लिगेसी सिस्टम से जब डेटा माइग्रेट करते हैं तो उसकी चीज़ें हम यहाँ पे डाल देते हैं। अकाउंट लिगेसी का तो मालूम है ना क्या होता है लिगेसी। हाँ लिगेसी से जो हम डाटा माइग्रेट करते हैं, जो आपने एक टूल भी बताया था एमाइगल करके, वहाँ से भी हम लिगेसी लेते हैं ईमेल। लिगेसी क्या होता है? लिगेसी मेरे हिसाब से जहाँ ओल्ड डेटा या मतलब आर्कीव डाटा होता है, जहाँ ऐसा कुछ है क्या? नहीं कुछ क्या आइडिया, और क्या आइडिया नहीं है? लिगेसी का मुझे एक्चुअली वो नहीं पता मुझे, मतलब उसका मीनिंग। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है तो ऑलरेडी कुछ न कुछ सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी वो पहले काम करती रहती है ना। ठीक है, मान लीजिए SAP इम्प्लीमेंट होने से पहले किसी न किसी सॉफ्टवेयर तो उसका बिल जनरेट होता रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल जनरेट नहीं होता होता होगा, ठीक है उसमें होता तो चल होगा। रहे होते हैं। हाँ, तो जब हम SAP इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस पुराने सॉफ्टवेयर से पुराने जो टेबल है कहाँ का उनका डेटा मेंटेन हो रहा है वहाँ सब लोग माइग्रेट करते हैं SAP सिस्टम में। ठीक है, चाहे वो सॉफ्टवेयर कोई भी रहा हो हम उसे SAP में माइग्रेट करते हैं। ठीक है। तो ठीक पुराना जिसमें भी उनका डेटाबेस है चाहे जिस सॉफ्टवेयर में, है, तो फिर क्या होता है कि जो उनके जो जितने जो पुराने जो डेटाबेस रहते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर कुछ भी रहता है लेकिन डेटा तो एक डेटाबेस में मेंटेन होता है ना। हाँ ठीक बात है। डेटाबेस आपका SQL हो सकता है, आपका जो है MS एक्सेस हो सकता है, छोटी मोटी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन SQL, IBM मेनफ्रेम है, किसी भी मतलब टेक्नोलॉजी पे भी, टेक्नोलॉजी के डेटाबेस में डेटा मेंटेन रहता है। ठीक है, ठीक तो वहाँ से हम डेटा को माइग्रेट करते हैं तो फिर हम नए सिस्टम में लाते हैं, तो वही पुराने सिस्टम के डेटाबेस को जो है हम लिगेसी सिस्टम बोलते हैं। अच्छा तो अगर जिसमान लिगेसी पुराने, हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे एक नंबर एंज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर एंज क्रिएट हो रहा है ना, हमारे तो सिस्टम अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर क्रिएट कर रहा है। हाँ ठीक बात है। लेकिन अब वो पुराने उनका सिस्टम से उनको कैसे मालूम होगा, अगर जिसमान उनका पुराना जो अकाउंट नंबर अलग है कैसे हाँ ठीक है। सर्च करेंगे सिस्टम में, हाँ क्योंकि कस्टमर तो पुराना ही एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर जानता है ना जो उस सिस्टम जो बना के हमने दिए थे। ठीक बात है, वो तो पुराने को जानता है। चाहे अगर हमें पूरा हिस्ट्री हमें पुराने से मिलेगी, हाँ ठीक उस के जो पुराने सिस्टम में जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट आता है जो उनका नंबर रेंज रहता है, तो फिर हम है। उसको यहाँ पे माइग्रेट में इसमें यहाँ डाल देते हैं, अच्छा ताकि उसे जब इसको सर्च करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हाँ उस पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसका यही हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, तो फिर अच्छा आगे की हिस्ट्री हमें यहाँ से मिल जाती है। तो इसको उसका लिगेसी नंबर बोलते हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है तो उसका लीगेसी नंबर रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट है उसका लीगेसी नंबर रहेगा, पुराना कनेक्शन ऑब्जेक्ट है उसका लीगेसी नंबर, लीगेसी नंबर होगा, ऐसे होंगे तो वही लीगेसी नंबर लीगेसी होता नंबर होगा पुराने डेटा को है। हाँ तो पुराने बताते हैं डेटा ना। को लीगेसी नंबर बोलते हैं। फिर नया जो फ्रेश डेटा यहाँ पे बनेगा तो फिर उसमें लीगेसी नंबर नहीं रहेगा। अच्छा जैसे मान लो पुराना कस्टमर है तो पुराना लीगेसी नंबर रहेगा, और नया कस्टमर इस महीने हमारा जो कोई नया कस्टमर बना तो उसका तो फ्रेश हमने डेटा यहाँ पे ही बनाया ना ठीक है। सिस्टम में, तो फिर इसका कोई लिगेसी नंबर नहीं रहता।
क्योंकि हम लोग हर डेटा नया डाल रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा, कुछ एरर भी आ सकता है। अभी जो आपका राइट साइड में लिखा है ना, ये इनवॉइसिंग आउटसोर्स चेक ग्रुप YAP पार्टिसिपेशन BB प्रोसीजर, ये भी सब हम लोग जब इनवॉइस में एरर आती है तो ठीक करते हैं। तो ये भी मतलब कस्टमर हमें प्रोवाइड करेगा तो हम ये उसके अकॉर्डिंग डालेंगे ना कस्टमर नहीं प्रोवाइड क्लाइंट। करता है, जब इम्प्लीमेंट करते हैं तब आप एंड यूजर की तरह मत सोचिए, अब कंसल्टेंट की तरह सोचिए। अब अच्छा उसमें कस्टमर यहाँ उसको क्या मालूम क्या देना है, अच्छा उसमें जो है फीका कंसल्टेंट वो डेटा सारी चीज कस्टमाइज करेगा, उसको डेटा बनाएगा। अच्छा वो देगा हमें, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो चीजें जो है, जो ठीक है। मतलब फीका अलग अलग मॉड्यूल का कंसल्टेंट देगा। कल नहीं परसों में चला गया था, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग था हम लोगों का, कुछ अच्छा ये प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो सुबह से डॉक्टर डॉक्टर थे लोग सबके साथ, तो पूरा दिन भर उसी में जो है इन्वॉल्व रह गए। कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे थे आप? मैं अपना एनजीओ भी है ना, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फाउंडेशन। अच्छा, उसका कोई प्रोजेक्ट था? हाँ, तो उसके चीजों में नहीं ठीक है, मैं समझ ही गया था आप बिजी हो गए इसलिए मैंने भी नहीं पूछा क्लास के बारे में, मैं कहा चलो कोई नहीं। कई अच्छा डॉक्टर थे, सारे गवर्नमेंट के लोग थे। हाँ, अच्छा तो हेल्थ सेक्टर में फाइनेंशियल प्लानिंग का उनका सारा डिस्कशन था उसमें था, तो मैं भी जाता हूँ कभी कभी टाइम मिलता है। तो अच्छा मैं कई सेक्टर में इन्वॉल्व रहता हूँ ना, तो थोड़ा सा कभी बिजी कभी ज्यादा हो बिजी हो जाते। जाता। हाँ ठीक बात है। अभी देखिए क्लासेस मैंने शुरू किया, अब लोगों के लाइफ में बहुत सुधार तो ला रहा हूँ, कितने लोगों में आ भी चुका है, ये चीजें हैं। नहीं, आएगा ही आएगा, जब इतनी चीजें आप सिखाओगे ना नरेंद्र सर तो कहीं ना कहीं बंदा प्लेसमेंट ले ही लेगा अगर थोड़ी बहुत मेहनत करेगा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, है ना। जॉब तो 100% मिलेगा, बस मेहनत करने वाले बंदे चाहिए। डीप डीप में बता रहे हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आए, और मतलब अब बाकी ये है कि बंदा कोशिश ही नहीं करेगा तो कैसे होगा, है कि नहीं। क्या वो बिजनेस पार्टनर, अच्छा उसमें एरर आ गई थी क्या? नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, अच्छा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ये आईडीएस सर्वर है ना, तो बार बार डिस्कनेक्ट होते रहता है। हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है, जब मैं बनाता हूँ जब थोड़ा टाइम हो जाए ना तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा नरेंद्र सर एक सवाल पूछना था, ये कॉन्टेक्ट अकाउंट की जगह उसने इंटर एन लिया है, अकाउंट नंबर क्यों नहीं लिया जैसे हम अपने यहाँ अकाउंट नंबर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ये टॉप पर जो आ रहा है लिख के कॉन्टेक्ट ये अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैटेगरी है, अच्छा ये तो ये मतलब जो क्रिएट हम करते हैं कस्टमाइजेशन करते हैं हाँ उसके अनुसार से हो। जैसे अब इंडस्ट्रियल कस्टमर तो इंडस्ट्रियल बनाएंगे, हाँ कॉमर्शियल कॉमर्शियल बनाएंगे। जैसे अगर मान लो अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल कोई है तो इंडस्ट्रियल भी बना सकते हैं। अच्छा नहीं तो इसमें भी कांटेक्ट बनाने में से तो नहीं है, इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसमें भी अगर जिसने बनाया होगा प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया रहेगा तो एरर आएगा अच्छा आगे जब प्रोसेसिंग करेंगे हम। तो ओके पूरा कस्टमाइजेशन रहता है। तो चूंकि कमर्शियल कस्टमर तो यहाँ पे डोमेस्टिक कस्टमर है, कमर्शियल है, कमर्शियल एप्लीकेशन बनाया नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। चलो आप डोमेस्टिक ही ले लेता हूँ आपके लिए। ठीक है कोई सा भी ले लीजिए। हो गया आपका क्लीनिंग कैटेगरी, जो स्टैंडर्ड क्लीनिंग कैटेगरी। आप इंटर इंटर जैसे करते जाएंगे तो जो जो मैंडेटरी चीज रहेगा वहां पे घर से लेते जाएगा। आप होता जाएगा ठीक। हाँ, ये कमर्शियल है तो कमर्शियल ही लेना है, पेमेंट टर्म जो है तो कितने दिन, 14 दिन ड्यू डेट हम रखना है, तो 14 दिन ठीक है बिल फार्म है,
ये जो अच्छा है ये आपका आप जो एंट्री मार रहे इलेक्शन, हो, अपने आप वहां पहुंच जा रहा है जो जरूरी फील्ड है ना। हाँ ये जो है ये बिल फार्म है, मतलब एसी से जो है आपका जो है प्रिंटिंग होता है। ये फार्म जो स्मार्ट फार्म होता है तो फिर अच्छा इसको भी डेवलप करते हैं लोग। जैसे आपका बिल प्रिंट होता है ना, तो बिल में कैसा क्या क्या डिटेल रहेगा, क्या क्या डाटा रहेगा, तो उसका अच्छा पूरा फंक्शनल स्पेसिफिकेशन लेके हम लोग पूरा इन्हेंसमेंट करते हैं उसका। तो ये आगे चीजें हम बताएंगे आपको ठीक है। कि ये फंक्शनल स्पेस कैसे लिखना है, क्या करना है। ये कंपनी कोड है। यहाँ रनिंग डेटा कंडीशन नॉट पॉसिबल फादर की, तो जो है हमने जो चीजें लिए हैं तो प्रॉपर, नहीं लिए हैं तो क्या होगा कि ये नहीं नहीं लेगा। बनाने हम दें। एक काम ही करेंगे कि आपको एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रहेगा क्रिएट, उसको हम अजय उसके रेफरेंस से बनाएंगे। अच्छा शायद बिजनेस पार्टनर हटाना पड़ेगा नीचे से। ना बिजनेस पार्टनर हटाएंगे, अच्छा उस तो उसने अपने आप ले लिया था ना। कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है तो उसका देखते हैं क्या है। ये तो इंस्टॉलेशन है ना। जैसे आप इसमें किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो अगर कहीं भी एरर आता है जैसे फीका का चाहे इन सब चीज़ों का, तो फीका का है तो फीका कंसल्टेंट को बोलेंगे। जैसे अकाउंट डिटर्मिनेशन का कोई भी, क्योंकि हर एरर जो है डीएम नहीं सॉल्व करता है, डीएम कंसल्टेंट। इसके रेफरेंस क्रिएट करते हैं, डोमेस्टिक स्नोर लेते हैं यहाँ पे। हाँ अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कैटेगरी जो है हाँ 0 1 है ना, जो वहाँ पे रहेगा उसको यहाँ पे लेना। अब आया। अब उसमें क्या होगा, सारे जो ऑटो ऑटो फिल हो गया। अच्छा वो पहले से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमने ऑलरेडी क्रेडिट इसमें वाला उठाया है ना। क्या है कि इसका सारे अकाउंट डिटर्मिनेशन सारी चीजें ऑलरेडी हुआ है, मतलब इसका डेटा ठीक तो है। हम जो एक कंपनी कोड है जो S0S02 S02 ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, इसका मतलब अकाउंट डिटर्मिनेशन प्रॉपर हुआ है, इसका एक क्रिएट हो गया। ये हमारा अभी क्या क्रिएट हुआ? बिजनेस वो सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट हुआ ये। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही क्रिएट हो गया। ठीक है। आपका क्या हो गया, टेक्निकल मास्टर डेटा क्रिएट कर दिया आपने, बिजनेस मास्टर डेटा क्रिएट कर दिया। ठीक है। और शेड्यूल मास्टर डेटा भी क्रिएट हो चुका है। अच्छा जो अभी एरर आ रही थी हम जो बना रहे थे है नहीं ना, अगर हम उसे अपने तरीके से बनाएंगे तो नहीं बना सकते क्या? नहीं बना सकते। अब जैसे आप बनाएंगे तो ये डेटा डालेंगे तो चीजें हो जाएगा,
अच्छा बाकी अच्छा अच्छा तरीके से जब बनाएंगे तो फिर उसका पूरा अकाउंट डिटर्मिनेशन सारी चीज जब फीका कंसल्टेंट जो है अलग कंपनी को और बाकी सारी चीज बना के देगा तब आप कर पाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। और सीरियल नंबर भी बना लिया। तो आप सब जानते ही हैं। ये कौन सी स्क्रीन में गए थे आप? फुल इंस्टॉलेशन इजी 30 स्क्रीन में इसे दिखा देता हूँ आपको। हाँ दिखाओगे? मैं थोड़ा सा मिस कर गया। अच्छा इजी 30 इजी ये। थर्टी से हम क्या कर रहे हैं? फुल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको इधर से जाएंगे डिवाइस मैनेजमेंट, जाएंगे इंस्टॉलेशन में, ठीक ना? आप इंस्टॉलेशन में, ये अच्छा फुल इंस्टॉलेशन बिलिंग रिलेटेड इंस्टॉलेशन हो जाता है, टेक्निकल इंस्टॉलेशन हो जाता है, अच्छा ठीक है। ठीक तो ना? ये अगर इजी 31 से हो रहा है। हाँ, अगर आप पहले जाना चाहते हैं टेक्निकल इंस्टॉलेशन तो पहले टेक्निकल इंस्टॉलेशन होगा, फिर आपको फिर बिलिंग रिलेटेड इंस्टॉलेशन होगा, दोनों अच्छा फुल में फुल हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे। एक साथ हो जाता है। जैसे आपको यहाँ से EG33 टेक्निकल इंस्टॉलेशन पहले करते हैं। टेक्निकल इंस्टॉलेशन कहाँ पर हम यूज करते हैं? जैसे मान लो कुछ नई बिल्डिंगें बनती हैं, हाँ, जब अब हम फिजिकल मीटर इंस्टॉलेशन फिजिकल इंस्टॉलेशन लगाते हैं लेकिन सप्लाई नहीं चालू करते हैं। हाँ, सप्लाई चालू नहीं होती, वो बिलिंग रिलेटेड पे होती है। जब हम तो कंजप्शन उसमें उसका जब कंजप्शन हमें लगता है हाँ, तो उस पर रिलेटेड होता है वो। क्योंकि यार तो नए नए बिल्डिंग में बना देते हैं, फ्लैट बना देते हैं, उसमें मीटर भी बिल्डर लगा देता है, लेकिन सप्लाई तब चालू होता है ना कि जब कस्टमर खरीदता बिल्डिंग को अपना जाता है। ठीक बात है, उसे तब वो बिलिंग रिलेटेड इंस्टॉलेशन होता है। तो फिर उसमें क्या करेंगे कि हम जैसे वहां पे एक अपार्टमेंट है तो उसमें हमने जितने प्रीमाइसेज है तो आप अगर मीटर लग गया तो उसका सारा मीटर हम टेक्निकल इंस्टॉलेशन लगा देंगे। जैसे कोई कस्टमर उसको परचेज करता है, अपना रजिस्ट्री कॉपी लेकर आता है, बिजली विभाग में बोलता है भाई मैंने फ्लैट खरीद लिया, मैं अब यहाँ से रहना शुरू किया कर रहा हूँ, हमारा मीटर चालू कर दो, तो फिर हमारा टेक्नीशियन जाएगा मीटर चालू करने के लिए, कनेक्शन दे देगा, मतलब जो भी है उसका, है ना? मीटर लगा रहेगा लेकिन कनेक्शन नहीं दिया रहेगा। अपना कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बिलिंग रिलेटेड इंस्टॉलेशन कर देंगे, फिर हम जो मंथली फिर मीटर रीडिंग लेना है सारी चीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? ठीक है। जैसे टेक्निकल इंस्टॉलेशन करेंगे तो इसमें जो है आपको इंस्टॉलेशन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, कौन सी कनेक्शन आप जो आप क्रिएट लगा रहे हैं ये पूछता है। अच्छा ये भी हम कौन से वाले पे थे? टेक्निकल पे थे ना? टेक्निकल इंस्टॉलेशन इजी 33 तब अच्छा यहाँ पे हम कनेक्शन आज भी यहाँ पे देंगे कौन सी डेट को, जैसे मान लो 1-1-2000। ये तो आपने इंस्टॉलेशन उठाया है, लेकिन कनेक्शन ऑब्जेक्ट कहाँ है? वो जो ऊपर आपने लिया है वो तो इंस्टॉलेशन है, कनेक्शन नहीं ऑब्जेक्ट कनेक्शन नहीं आप है। कुछ, कनेक्शन ऑब्जेक्ट ही था वो, अच्छा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि वो है। इंस्टॉलेशन या विषय कनेक्शन ऑब्जेक्ट में जाने के लिए का यहाँ डिवाइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कनेक्शन ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक ठीक है। है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो एरर देगा, लेगा नहीं वो, तो इतने वैलिडेशन है न्यू डिवाइस। टूटी जैसे इंस्टॉलेशन हमारा हम कर रहे हैं ठीक तो ये मीटर रीडिंग, इनिशियल मीटर रीडिंग रहता है, है, जीरो डाल दिया हमने।
जीरो डाल देंगे, चाहे अगर कोई भी मीटर इंस्टॉल करे, अगर उसमें कुछ रीडिंग है, 2 3 4 जो भी है तो डाल देंगे। तो पीरियाडिक कंजम्पशन जो कंपनी देता है, अच्छा, 1 साल का जो हमारे रेजिडेंशियल कस्टमर है, तो उसका कितना कंजम्पशन पैटर्न होगा, पेरियोडिक आप डालते हैं ना अपने वहां पे भी। यहाँ पे जो है देखो, रजिस्टर को बिलिंग, ये सब वेइंग प्रोसीजर, ये सब जो है इसमें, और कुछ रेट डेटा ये सब कुछ नहीं मांगेगा इसमें। क्यों? अच्छा। क्योंकि हमने बिलिंग यहाँ पे चालू नहीं कर रहे हैं इसमें। अभी तो टेक्निकली बना रहा है ना। हाँ, ठीक है ठीक जिसमें कहीं रेट डेटा नहीं मांगेगा, रेट टाइप के सब कुछ नहीं मांगेगा। है। यहाँ पे डाल के जब एक सेव कर देंगे, थोड़ा टेक्निकल इंस्टॉलेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इन्वायरमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि एक डिवाइस इंस्टॉल होगा। डिवाइस हमेशा, डिवाइस जो टेक्निकल इंस्टॉलेशन डिवाइस लोकेशन पे होता है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट भी फंक्शनल लोकेशन होता है, और ये डिवाइस आपने किस जगह से देखी थी, ये वाली स्क्रीन कौन सी जगह से देखी थी, इस स्क्रीन पे आप कैसे आए थे, डेटा एनवायरनमेंट वाली में? जैसे हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट में गए, तो यहाँ पे हाँ इन्वायरमेंट पे आएंगे तो डेटा क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा। अगर जैसे यहाँ पे ए प्रीमाइज का है ना, डिवाइस डिस्प्ले प्रीमाइज, तो इस प्रीमाइज पे देखेंगे तो यहाँ पे डेटा इन्वायरमेंट में यहाँ दिखा देगा, तो इसमें अच्छा भी आगे एक इंस्टॉलेशन हमारा लगा हुआ है। ठीक अब है। इंस्टॉलेशन कोई मीटर नहीं लगा है, नहीं तो मीटर लगा रहता है, नीचे मीटर भी दिखाता है। मीटर भी दिखाता। ठीक है, अब हम करते हैं इसका बिलिंग इंस्टॉलेशन। यहाँ पे अगर जैसे मल्टीपल अगर इंस्टॉलेशन रहेगा, मल्टीपल प्रीमाइस रहेगा, तो सारे इसी पे दिखेगा। अच्छा, इसी पे दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, एक प्रीमाइस पे इंस्टॉलेशन, उसके बाद डिवाइस है ना। और अगर इंस्टॉलेशन जैसे कि गैस इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए है तो दो दिखेंगे इंस्टॉलेशन, एक प्रीमाइस पे है ना। ठीक अब ठीक आप अपने सिस्टम में भी चेक करेंगे ना, बीजी वाले में भी, तो ऐसी चीज दिखेगा। ठीक है। हमने बिलिंग टेक्निकल इंस्टॉलेशन तो कर दिया हम, और यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया 1/1/2020 वैलिड फॉर, मतलब हमने इस डेट को इंस्टॉल किए थे। तो इस डेट पे इंस्टॉल किए थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बिलिंग रिलेटेड, तो EG33 से टेक्निकल इंस्टॉलेशन करते हैं। 34 से बिलिंग रिलेटेड। हाँ, सर बिलिंग रिलेटेड आज नहीं करोगे? कौन बिलिंग सा रिलेटेड, बिलिंग रिलेटेड इंस्टॉलेशन अभी नहीं करोगे? अच्छा कर रहे हैं ना, जो चीजें आएगा सारा करना है, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, करना तो सब है। EG33 आपका टेक्निकल इंस्टॉलेशन होगा। टेक्निकल। थर्टी फोर बिलिंग रिलेटेड इंस्टॉलेशन।
31 फुल इंस्टॉलेशन है। EG31 फुल इंस्टॉलेशन। चीजें याद रहनी चाहिए, रीजन क्या, हाँ क्योंकि सब इंटरव्यू को पूछ भी लेते हैं लोग। क्योंकि 2020 से ही कर रहे हैं, न्यू 2 1 3 0 6 1 3 0 6। अब हम डिवाइस 2 हमने टेक्निकल इंस्टॉलेशन किया है ना, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है सर। डिवाइस 2 हमने आपकी दिए थे ना। अब यहाँ पे देखिए रेट टाइप की सारी चीजें आपको पूछेगा। अच्छा, ये रेट टाइप हमने उस टाइम लिया था डिवाइस कैटेगरी में, और ये पार्ट हमारा बिलिंग का है। यहाँ पे रेट आप किस लिए ले रहा है, क्यों, क्योंकि रेंटल प्राइस के लिए है वो। ठीक है, अच्छा मैं टेक्निकल इंस्टॉलेशन और बिलिंग रिलेटेड इंस्टॉलेशन जब करूंगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे तो तुम्हें डिवाइस कोई और लेनी पड़ेगी ना। इस पे तो बन गया क्या? यह डिवाइस एक और क्रिएट करूंगा 3 ईयर नंबर्स के नाम से, है ना, अपने सेम सेम कनेक्शन ऑब्जेक्ट पे, सेम उस पे रजिस्टर ग्रुप पे, है ना, कर लूंगा उस पे क्रिएट कर दूंगा फिर मैं। इंस्टॉल हो जाएगा तो दोबारा आप रेंट कर सकते हैं, दोबारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, चलिए, आपने आज टेक्निकल इंस्टॉलेशन सीखा, आज बिलिंग इंस्टॉलेशन, बिजनेस सीखा। ठीक है, ठीक अब आप बिलिंग कंसल्टेंट बन गए। है, आप जो भी सिखा रहे हो सब अच्छे सिखा रहे हो। आज के इतना इतना प्रैक्टिस कीजिए पहले। हाँ चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।